आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। रानी का नाम मैनावती, घर में कोई संतान नहीं। ब्राह्मणों से जतन पूछा, ब्राह्मणों ने कहा महाराज भगवान का भजन करो, आपके घर में संतान हो जाएगी। समय बीत्या, रानी मैनावती की कोख से एक लड़के का जन्म होया। बताते हैं जिस टाइम उस लड़के का जन्म होया तो तरह तरह के चमत्कार होते हैं, और उन चमत्कारा ने देख के राजा हिमाचल बड़े हैरान हो जाते हैं कि वे बेटा बेटी तो दुनिया के हो से, मेरे के या दुनिया की न्यारी होगी। बताते कि मधु मास के शुक्ल पक्ष नवमी के दिन की सुन बात, मेरक जरा नक्षत्र इसका गिरजा जन्मे आधी रात। महर्षि नारद को राजा हिमाचल उस लड़के के हाथों की रेखाएं दिखाते हैं, महाराज ये लड़की कैसे कैसी होगी। महर्षि नारद ने कहने लगे महाराज बहुत बड़ी शक्ति होगी, तो बोले किसी होगी के मेरी जान में गिरजा कैसी, मास्टर जी मेरी जान में गिरजा कैसी कोई सुथरी नहीं जमाने में, मेरी जान में गिरजा कैसी कोई पुत्री नहीं जमाने में, मेरी जान में गिरजा कैसी कोई उतरी नहीं जमाने में, और मेरी जान में गिरजा कैसी कोई चुतरी नहीं जमाने में। मांगे राम जुत्या जुए में जुत्या जुताया करे खूब हाथ, मेरक सरा नक्षत्र इसका गिरजा जन्मिया गिरा। हे महाराज बढ़ो ना दाम तो इसकी रेखा देख, अनु बताया के करेगी के बनेगी के ना बनेगी, तदे मेरा नाम दबो दे। वो महर्षि नारद उस लड़के गिरजा की हाथों की रेखा देखते हैं और एक भजन के माध्यम से क्या समझाते हो क्या करते। राजा हिमाचल एक सभा बुलाते हैं, उस सभा के अंदर ऐलान करते हैं, लंबी कथा पुरानी होगी, गर्मा रोज कहानी होगी, या गिरजा बेटी शाणी होगी, कोई वर्टो कर लियो,
बहुत फरमाइश की शान शकल में हो सबसे सुंदर जिसके बने हो सुनहरी मंदिर इंदर जी की सभा बनी हो हीरापन में कणी मणि हो ब्रह्मा जी की बात सुनी हो ईसागर टो के जाइयो मैं भूखा सो उससे दिन का भेद बता दूं अपने मन का रण का सूरा बांध जती हो मेरी बेटी का ईसा पति हो अस्कंद कैसा महारथी हो ईसा नर टोक आइयो ठाठ ना हो किसी बात में घाट आठ हवेली घेर पड़े हो दरवाजे पर दो शेर पड़े हो धन माया के ढेर पड़े हो ईसा जर टोक आइयो सारी फरमाइशों को सुनते वो ब्राह्मण लोग चल पड़े अब राजा हिमाचल फिर कहना पंडित जी सुनियो एक बात और रहेगी अकोर सी मेरे सर छुट रहे हैं सनन कटेंगे दुख व्यक्ता के फन लक्ष्मी चंद का रस घोट ले सतगुरु जी के पाया में लोट ले जो सब सृष्टि का बाहर ओट ले ईसा सर टोकाइयो बामणा ने भी सर मारे बोला ठाडा भी देख लिया धनवान भी देख लिया सारी सृष्टि का बाहर ओटनिया के धरती पर पावेगा उसका तो स्थान कहीं और मिलेगा ब्राह्मण नाई इकट्ठा होके और उस गिरजा के वर की तलाश में निकलते हैं कहां कहां जाते हैं क्या बात Bye.
इंद्र ने सुना के वह जग जननी मान आया नुबड़ा बस जब सारे जगत की जननी है तो फिर मेरा बस काने मेरा तो वो छोटा डिपार्टमेंट आओ दे और पटने डिपार्टमेंट में जा बड़ी अस्थियो तो रजा मेरी औकात को न्या इंद्र नाच गया इंद्र का नाच के फिर आगे जाइए सत्य 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 सत
लगन बड़ी चीज होती है। हे महाराज, जो बात मैंने बताई गिरजा के बारे में, आपका विश्वास नहीं, लेकिन वो समय आएगा, कौन सा समय कि लगन लगा, शांति कर, श्रद्धा से विश्वास कर, वो दिन आएगा। और आज ये भी बताता हूं कि इसका लड़का कैसा होगा, दुनिया में नहीं साथ हो रहा होगा इसके किसान क्या।